अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है तो आप कहेंगे मे बी 19, 25, 42 ऐसा ही कुछ। लेकिन अगर यूनिवर्स के स्केल पर देखा जाए तो हम सभी की एज 1380 करोड़ साल है। बिग बैंग होने के बाद पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से जो मैटर निकला था उसी ने मेरी, आपकी और पूरे यूनिवर्स की संरचना की है। शुरुआती यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हुआ करता था जिनने मैसिव स्टार्स को जन्म दिया। आपके डीएनए में मौजूद वो नाइट्रोजन, आपके खून में दौड़ रहा वो आयरन और वो ऑक्सीजन जिसकी वजह से आपकी सांसें चल रही हैं, इन सभी का फॉर्मेशन उसी स्टार के कोर में हुआ था। अब जब इन स्टार्स में सुपरनोवा हुआ था तो इनसे निकले एलिमेंट्स स्पेस में दूर दूर तक फैल गए और इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स पजल ने हम लोगों को जन्म दिया। यानी कि देखा जाए तो हम कुछ और नहीं बल्कि स्टार डस्ट हैं। देखिए, नेपच्यून के पार बसे प्लूटो की दुनिया में हम लोगों का जाना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जिंदा तो नहीं पर मरने के बाद एक आदमी की राख को प्लूटो तक जरूर भेजा गया है। और ये खुशकिस्मत इंसान थे क्लाइड टॉमबर्ग, जिन्होंने 1930 में पहली बार प्लूटो के बारे में हमें बताया था। वैसे तो उनकी डेथ 1977 में ही हो गई थी, लेकिन उनके एसेस को एक एल्यूमिनियम कैप्सूल में भर कर न्यू होराइजन में डालकर प्लूटो के पास भेजा गया, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था और 2015 में ये प्लूटो से 12,000 किलोमीटर दूर से गुजरा था। मतलब जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी प्लूटो को डिस्कवर करने में लगा दी उसके लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए क्लाइड टॉमबर्ग के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी चीजें अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।